Hello friends, welcome back. We were discussing the fourth chapter from a syllabus. Just remember children, we have discussed with chapter number 1, chapter number 2. Then I directly switched on to chapter number 4. Okay, so these are three simple topics children which we can study earlier. Jo aap thoda pad sakte hain. Iske baad mein thode difficult topics ki taraf aayenge hum log. So step by step children, we should be able to go for some difficult topics as well. So, if you study properly, there is nothing as called as difficult. But during this time of some trouble, all this, especially all the students and people who are in Mumbai, okay, hope so, while you take care of yourself, your family, your health, side by side, thoda sa aapko studies ki taraf bhi dhyan dena hai, kyunki ye sab problems aate jaate rahenge, lekin we have to keep on studying, kyunki exams aayenge. और इस सब में से बाहर निकलने निकलते मालूम पड़ा आपको एक दिन एग्जाम का डेट्स आ गया है. सो यू नीड टू कीप ऑन स्टडिंग. चलें जब भी हम लोग कुछ एक्सप्लेन करते हैं, आपको कुछ डाउट्स होते हैं, आप कुछ क्लियर नहीं होता है, तो यू कैन ऑलवेज गेट माई नंबर फ्रॉम द क्लासेस एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आप कोई भी डाउट्स व्हाट्सएप वगैरह अभी भी क्लियर कर सकते हो अपना. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, जैसे हम लोग क्लासरूम लेक्चर्स के लिए मिलेंगे, होप सो पॉसिबली वेरी सून, तो हम लोग ये सब डाउट्स क्लियर करके फिर आगे का पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, होप ऑल माई स्टूडेंट्स आर सेफ एंड फाइन. ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन. हियर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स, और वी वर कॉलिंग देम एज द फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल्स. चिल्ड्रन, फेजेस आर बेसिकली द डिफरेंट स्टेजेस दैट वी हैव. एज यू कैन सी इन द डायग्राम इटसेल्फ, हमने जो दो स्टेजेस डिस्कस किए थे, ठीक है, वो स्टेजेस के बारे में बात करने के बाद में विल जस्ट कंटिन्यू विथ टू डिफरेंट अदर स्टेजेस एज वेल. एज यू कैन सी योर चिल्ड्रन, द लोएस्ट पार्ट ऑफ दैट इकोनॉमिक साइकिल इज बेसिकली कॉल्ड एज अ ट्रफ. क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ट्रफ. अच्छा, ये ट्रफ से बाहर निकलते तो उसको क्या बोलेंगे? रिकवरी. रिकवरी में भी अगर आप देखोगे, यू रिमेंबर दिस लाइन चिल्ड्रन, क्या नाम दिया था इसको मैंने? It was called as a path of steady growth. क्या बोलते हैं? Path of steady growth. अच्छा, इस लाइन से भी ज्यादा अगर हम लोग डेवलपमेंट कर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Prosperity. Prosperity का हाइएस्ट पॉइंट कौन सा होता है? पीक. अच्छा, लेकिन यहां से अगर कभी नीचे आना चालू करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज रिसेशन. रिसेशन ज्यादा देर के लिए रुकेगा तो उसको क्या नाम देने का? डिप्रेशन. डिप्रेशन एकदम नीचे चला जाता है तो ट्रफ, और फिर से शुरू होता है रिकवरी, प्रॉस्पेरिटी, पीक एंड द साइकिल विल कंटिन्यू. कोई भी देश बच्चों हमेशा चाहेगा कि कहाँ पे रहे वो. ये एस वाला जो लाइन है ना बच्चों, एस ये आइडियल ग्रोथ रेट होता है अपना. लेकिन किसी मैंने आपको जैसे कि बताया था, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्टिकुलर इकोनॉमी टू प्रॉपरली स्टे ऑन दैट लाइन. देर विल बी सम अप्स एंड डाउन्स विच विल बी ऑलवेज एक्सपीरियंसिंग. क्लियर? सो चिल्ड्रन, इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट डिप्रेशन, जहाँ पे हर एक एक्टिविटी एकदम लोएस्ट बेस पे चला जाएगा. डिप्रेशन के लोएस्ट बेस को हम लोग क्या? ट्रफ बुलाते हैं, और वहाँ से प्रोसेस रिवर्स चालू हो जाता है जहाँ पे हम लोग रिकवरी की तरफ आते हैं. तो रिकवरी में हमने देखा था कि आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ना चालू करते हैं. बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. क्लियर? फॉर टूडेज लेक्चर चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द नेक्स्ट टू फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स, दैट्स प्रॉस्पेरिटी. क्या बोलते हैं इसको? प्रॉस्पेरिटी. एंड देन वील ऑल्सो टॉक अबाउट रिसेशन. ओके, लेट्स टॉक अबाउट प्रॉस्पेरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल. प्रॉस्पेरिटी द नेम इटसेल्फ लुक्स क्वाइट अट्रैक्टिव. प्रॉस्पेरिटी इज लाइक यू नो लॉट ऑफ वेल्थ, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो सपोज चिल्ड्रन, इन आर कंट्री इफ देर इज अ कंटिन्यूअस राइज इन द आउटपुट, हमारे देश का आउटपुट बढ़ा तो सीधी सी बात है कि हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, बैंक ज़्यादा लोन्स देगी लोगों को, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, उसके साथ में और एक चीज़ बढ़ेगी बच्चों लोग, क्या? द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. आप इसे एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, बैंक लोन्स देगी, प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा लोगों का. Then children, this particular phase is known as prosperity. अभी सवाल ये आता है कि like sir, prosperity के time पे exactly कौन कौन से अलग अलग features हमको दिखाई देंगे. So children, here we have the points. सबसे पहली बात, चलो prosperity में bank credits they grow like anything.
इवन इफ इंटरेस्ट रेट्स आर हायर पीपल टेक लोन्स. व्हाई? जॉब है बच्चों लोग, अच्छा खासा सैलरी आ रहा है, तो लोगों को पता है कि सैलरी मुझे मिलता रहेगा तो मैं लोन लेके कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ. जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई था, मेरा अच्छा खासा जॉब है तो मैंने घर लिया और फिर लोन लिया बैंक से उसके लिए, तो आपने देखा लोन का डिमांड बढ़ गया. लेकिन मैं लोन क्यों उठाता हूँ? क्योंकि मैं कमा रहा हूँ. अच्छा, जब कोई आपके पास कमाने का जरिया ही नहीं तो फिर लोन लेने का सवाल नहीं आता बच्चों लोग. क्लियर? सो देयर इज अ जनरल एक्सपांशन ऑफ क्रेडिट, लोन्स बढ़ जाते हैं. अच्छा, अभी ये जो पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ था, ऐसे ही पड़े हुए पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? आइडल फंड्स. उसको हम लोग चैनलाइज करेंगे. चैनलाइज मतलब क्या होता है बच्चों? उसको रास्ता करके देना है, आपको डायरेक्ट करना है. कहां पे? लेकिन इन प्रोडक्टिव एरियाज. कहां पे? प्रोडक्टिव एरियाज. हाँ, एंड सी चिल्ड्रन, यहां पे स्टॉक प्राइसेस आर हायर ड्यू टू हाई प्रॉफिटेबिलिटी. मतलब स्टॉक के प्राइस, शेयर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा मिलता है लोगों को, तो देन पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग. जो ऐसे पड़ा हुआ पैसा रहता है ना लोगों के पास, वो शेयर मार्केट में होकर चला जाएगा. अच्छा, प्रॉस्पेरिटी के टाइम पे चिल्ड्रन, देयर विल बी इंक्रीज इन मनी सप्लाई. क्या बोला है? देयर विल बी इंक्रीज इन मनी सप्लाई. सीधी सी बात है चिल्ड्रन, प्रॉस्पेरिटी में देयर इज इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, क्योंकि हर एक टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटी में देयर इज लॉट ऑफ मनी विच विल स्टार्ट फ्लोइंग देयर. कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा. हाँ, फिर क्या होगा बच्चों लोग? धीरे धीरे हमारे पास जो एक्सेस कैपेसिटी होता है, चिल्ड्रन इन द लास्ट लेक्चर ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एक्सेस कैपेसिटी. क्या बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी? जैसे कि मेरे फैक्ट्री में एक दिन में 1000 यूनिट्स मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं 600 यूनिट्स बना रहा हूँ, तो वो जो 400 है ना बच्चों लोग, उसको हम लोग एक्सेस कैपेसिटी बोलते हैं. जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा तो हम लोग क्या 700, 800, 900, 1000 पे पहुंच के बच्चों लोग फिर आपका एक्सेस कैपेसिटी क्या होगा? खत्म, डिसअपीयर्स. ठीक है? अच्छा, देन चिल्ड्रन व्हाट विल हैपन? इन देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ लेबर. रॉ मटेरियल का शॉर्टेज फील होगा क्योंकि आप प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हो. अच्छा, फिर देयर विल बी अ पॉइंट जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा. हाँ, अभी फुल एम्प्लॉयमेंट आने के बाद अगर मार्केट में फिर भी डिमांड बढ़ता रहेगा, हाँ, तो सीधी सी बात है कि लाइक चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द राइज इन प्राइसेस. प्राइसेस बढ़ना चालू हो जाएंगे. ठीक है? अच्छा, लेकिन फिर लोगों का जो पगार होता है, वेजेस होता है, इंटरेस्ट रेट्स होते हैं बच्चों लोग. अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेंट, टैक्सेस, दे डू नॉट राइज मच इन प्रोपोर्शन टू द राइज इन प्राइसेस. मतलब जितना प्राइसेस बढ़ता है उतना लोगों का पगार नहीं बढ़ेगा. आपको पता है हमेशा महंगाई ज्यादा रेट पे दौड़ती है, उसका स्पीड बच्चों लोग एक आध डियर के जैसे होता है, और अपने पगार का स्पीड कैसा? एकदम टॉर्टोइस के जैसे चलते रहता हूँ, और कभी कभी बीच में सो भी जाता है. अच्छा, नाउ हियर द बिजनेस दे रिमेन प्रॉफिटेबल. अभी क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते जाते हैं ना चिल्ड्रन, बिकॉज द इन्वेस्टमेंट्स आर कीपिंग ऑन राइजिंग कंटिन्यूसली. ठीक है? एंड द डिमांड फॉर बैंक क्रेडिट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. मतलब बैंक के पास वापस से लोन्स के लिए डिमांड बढ़ना चालू हो जाता है क्योंकि बिजनेसमैन इन्वेस्ट करना चाहते हैं. ठीक है? अच्छा, फिर यहाँ पे बच्चों ये जो एक्सपांशन का पूरा प्रोसेस था ना, द एंटायर प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन, एक क्यूमुलेटिव होगा, और इकोनॉमी एक दिन बच्चों एकदम पीक पे जाके पहुंच जाएगा. पीक इज लाइक यू नो हाइएस्ट पॉसिबल, मतलब दिस इज अ पॉसिबल हाइएस्ट पॉइंट दैट वी कैन एक्चुअली रीच आउट. ठीक है? बट हियर वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइक एक पॉइंट पे आके फिर डिमांड है ना बच्चों लोग स्टैगनेट होता है. स्टैगनेट मतलब उतना ही रहेगा. हाँ, तो दिस इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और वहां पे डिमांड बढ़ना रुक गया है, सो डिमांड हैज हॉल्टेड. और जैसे ही बच्चों लोग प्रॉस्पेरिटी खत्म होगी तो वहां से किसकी शुरुआत होगी? रिसेशन. तो फिर धीरे धीरे बच्चों लोग इनपुट्स का शॉर्टेज. अच्छा, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इंटरेस्ट रेट हाई हो गया है, डिमांड बढ़ ही नहीं रहा है, और इसकी वजह से धीरे धीरे बिजनेस के प्रॉफिट्स क्या होते हैं? कम होते हैं. अच्छा, फिर इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? कम होगा. आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक वगैरह क्या पड़ा हुआ रहेगा क्योंकि डिमांड बढ़ नहीं रहा है ना. और ये होता है बच्चों लोग द बिगिनिंग ऑफ द अपर टर्निंग पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीक. और द इकोनॉमी विल एंटर इनटू अ रिसेशनरी फेज. फिर यहाँ पे बच्चों इकोनॉमी किस में चला जाएगा? रिसेशन. तो आपने नोटिस किया यहाँ पे बच्चों लोग, हम लोग प्रॉस्पेरिटी में थे, प्रॉस्पेरिटी में हाईएस्ट पॉइंट यानी क्या? पीक. पीक पे पहुंचे, लेकिन पीक पे होना थोड़ा खतरनाक भी होता है क्योंकि आप वहां से सीधा नीचे आ सकते हो. सो हियर दैट्स व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस चिल्ड्रन, द पीक विच इज द अपर टर्निंग पॉइंट विच हैज रिजल्टेड इनटू रिसेशन.
Now you'll feel like, sir, what exactly is the meaning of recession? You need to understand one concept here, children, कि अगर prosperity एक point है, तो recession एक journey है बच्चों लोग. ये journey खत्म होता है तो वहाँ पे क्या आता है? Depression. फिर recovery एक journey है, तो prosperity एक point आता है. तो दो movement वाले phases है और दो position वाले points आते हैं इसमें. अच्छा, recession children basically shows what? It's a period of contraction or slowing down of economic activity. हमारे देश के अंदर बच्चों लोग जब पूरा economic activity slow down होता है या फिर contract करेगा. contract का meaning आपको पता है, income, output, employment. जब कम होते हैं तो उसको हम लोग contraction बोलते हैं. And see children, recession is basically a downward process. मतलब जब अपना पूरा economy downward चला जा रहा है. अच्छा, and almost like you know growth rate. It becomes rapid and output, employment, prices, they register a decline. देखो बच्चों फिर से एक बार बता रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें कम हो रही है. Output, employment और prices. Production कम हो गया, employment कम हो गया. तो बच्चों देखो production कम है, employment कम है. Employment कम है तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, तो obviously वो लोग कुछ shopping नहीं करेंगे. Shopping नहीं करेंगे तो market में demand कम होगा. Demand कम होगा तो बच्चों prices क्या हो जाएंगे? कम होते. So all are decline. And see, यहाँ पे ऐसे हो सकता है बच्चों लोग कि जो अपना steady growth का line था ना, steady growth, तो हमारा growth rate उससे थोड़ा ऊपर रहेगा. मतलब the growth rate will remain above the steady growth line. हाँ, अभी ध्यान रखना है आपको कि recession generally बच्चों लोग short duration के लिए होता है. जैसे 2008 में हमने देखा था अमेरिका में recession आया था. 2009-10 we were coming out of that. लेकिन तभी ऐसे हुआ था कि हमने double dip recession face किया था. डबल डिप मतलब एक में से बाहर आते नहीं कि आप दूसरे रिसेशन में चले जाते हो, उसको डबल डिप रिसेशन बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, जैसे वो पीक वाला पॉइंट खत्म हुआ था बच्चों लोग, तो हमने देखा कि लाइक कुछ सेक्टर्स में डिमांड कम होना चालू होता है. अच्छा, एग्जिस्टिंग हम लोग जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं बच्चों लोग, वो थोड़ा कुछ ज्यादा होता है, उतना पूरा बिकता नहीं है. अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है कि लाइक फालतू के इन्वेस्टमेंट्स होते रहते हैं, लोग थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट होकर इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है. सो अभी लेकिन फिर क्योंकि डिमांड बढ़ नहीं रहा है तो लोग क्या करते हैं, फ्यूचर का कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान रहेगा तो उसको गिव अप किया जाएगा. उसकी वजह से फिर बच्चों लोग इज अ फॉल इन डिमांड फॉर इनपुट्स, और फिर बच्चों लोग इसमें डिमांड रिसेशन चला जाएगा. सो क्या क्या होगा देखो. रिसेशन में बच्चों लोग बिजनेसेस का प्रॉफिट्स कम होता है. अच्छा, उसकी वजह से कंपनी के शेयर के प्राइसेस भी क्या होंगे? कम होंगे. अच्छा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. ठीक है, बैंक का जो लोन्स का डिमांड होता है वो भी क्या होगा? कम होगा. अच्छा, जब डिमांड कम है तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होने वाला है? कम. एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगा, लोगों का इनकम कम होता है और मार्केट का डिमांड भी कम होगा. ये सब कुछ जब कम होते रहता है बच्चों लोग, तो इट विल बी रिफरिंग टू दैट एज रिसेशन. देखो रिसेशन चिल्ड्रन इट कुड बी लाइक यू नो, कभी कभी माइल्ड रिसेशन होता है, कभी कभी एकदम सीवियर रिसेशन होता है. अगर सीवियर रिसेशन रहेगा तो ध्यान रखने का कि देयर विल बी अ सडन क्राइसिस, जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम पूरा प्रॉब्लम फेस कर सकता है, स्टॉक एक्सचेंजेस कोलैप्स हो सकते हैं. और रिसेशन ज़्यादा देर के लिए कंटिन्यू करेगा और इन्वेस्टमेंट लेवल बहुत ज़्यादा लेवल पे गिर जाएंगे, ध्यान रखने का, द कंट्री विल एंटर इन टू डिप्रेशन. किसमें चला जाएगा कंट्री? डिप्रेशन. सो चिल्ड्रन, एज यू नोटिस हियर, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अ स्मॉल ट्रिक हाउ टू रिमेंबर दिस आंसर. ओके, एक काम कर सकते हैं हम लोग, चार वर्ड्स है बच्चों अपने पास. अच्छा, उसको सीक्वेंस में याद रखोगे तो कैसे? वी स्टार्ट विथ प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी से कहाँ पे? पीक की तरफ. वहां से शुरू होगा रिसेशन. जैसे रिसेशन ज्यादा देर के लिए रुकेगा तो इट विल कम इनटू डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद क्या होता है? रिकवरी. तो आप कुछ सात आठ वर्ड्स साथ में पकड़ के रखोगे बच्चों लोग. कौन से वर्ड्स है देखो? आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम. यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट डिमांड, प्राइसेस, बैंक का क्रेडिट, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, GDP का ग्रोथ. ये सब वर्ड्स हम लोग थोड़ा बैड करके रखें. अगर आप प्रॉस्पेरिटी रखते हो चलो, इफ यू वॉन्ट टू मेक अ शॉर्ट नोट ऑन प्रॉस्पेरिटी, तो स्टार्टिंग में आप डिफाइन करोगे कि प्रॉस्पेरिटी क्या है. फिर ये जो सात आठ वर्ड्स आपके पास है ना, उसके सामने आप लिखोगे हाई लेवल ऑफ आउटपुट, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाई इनकम लेवल्स, दिस हाई डिमांड इन द मार्केट, इन्फ्लेशन आएगा, एक्सपांशन ऑफ बैंक क्रेडिट, मनी सप्लाई बढ़ जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं, GDP का बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है, देयर इज अ ओवरऑल ऑप्टिमिज्म इन द इकोनॉमी, द इकोनॉमी ऑपरेट्स एट द हाईएस्ट कैपेसिटी. कौन सा शॉर्ट नोट तैयार हो गया?
प्रॉस्पेरिटी का. चिल्ड्रन आफ्टर दैट इफ यू टॉकिंग अबाउट रिसेशन, तो आप एक वर्ड यूज कर सकते हो क्या, डिक्लाइन. ये सब वर्ड्स आउटपुट डिक्लाइंस, जैसे डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट, देन देयर विल बी अ फॉल इन द इनकम. अच्छा फिर प्राइसेस दे स्टार्ट डिक्लाइनिंग. अच्छा डिमांड कम होना, चलो तो बैंक का जो क्रेडिट है इट ऑल्सो डिक्लाइंस, फॉल्स डिक्लाइंस रेड्यूसेस, ये सब वर्ड्स यूज करोगे तो कौन सा शॉर्ट नोट तैयार होता है आपका, रिसेशन. अच्छा जहां तक बच्चों लोग डिप्रेशन की बात है, तो जैसे आपने प्रॉस्पेरिटी में क्या लिखा था, हाई लेवल, वैसे डिप्रेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लो लेवल. सो लो लेवल ऑफ आउटपुट, जैसे लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लो इनकम लेवल्स, इन्फ्लेशन की जगह पे आप क्या लिखोगे, डिफ्लेशन. जैसे फॉल इन बैंक और लो बैंक क्रेडिट, दिस अ वेरी लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, GDP इज गोइंग टू फॉल, दिस अ लैक ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, एंड इकोनॉमी ऑपरेट्स एट द लोएस्ट कैपेसिटी, एंड दिस अ ओवरऑल यू नो पेसिमिज्म इन द इकोनॉमी. अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो लॉस होगा, इससे अच्छा मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा. कौन सा शॉर्ट नोट रेडी, डिप्रेशन. और फिर एक आता है रिकवरी. रिकवरी में बच्चों लोग ये सब इकोनॉमिक वेरिएबल्स दिस शो राइज, आप ऐसे कर सकते हो, आउटपुट स्टार्ट्स राइजिंग, एम्प्लॉयमेंट राइजेस, राइजिंग प्रोसेस है, इनकम राइजेस. अच्छा बैंक्स दे स्टार्ट गिविंग मोर क्रेडिट, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ना चालू करते हैं, डिमांड बढ़ता है, प्राइसेस दे स्टार्ट राइजिंग. अच्छा और फिर हम लोग किसकी तरफ जाते हैं, प्रॉस्पेरिटी की तरफ. तो एक के बाद ये जो साइक्लिकल वेव्स हम लोग फेस करते हैं चिल्ड्रन, दे आर बेसिकली रिफर टू एज अ बिजनेस साइकिल्स. तो इस चैप्टर में बच्चे लोग जनरली तीन क्वेश्चन हैं. एक, वॉट आर द फीचर्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स, क्या बोलते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स. दूसरा, दे आस्क यू व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल. फीचर्स में चार पॉइंट्स पड़े थे अलॉन्ग विद डायग्राम. फेजेस में डायग्राम बनाने के बच्चे लोग, अच्छा अब इसके अंदर कभी कभी दे माइट आस्क यू सेपरेट क्वेश्चन, जैसे कि आपको बोलेंगे राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रॉस्पेरिटी एंड रिसेशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिकवरी एंड डिप्रेशन, ऐसे कोई दो शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं. लेकिन एज आई टोल्ड यू चिल्ड्रन, एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा एग्जाम में कवर किया ही जाता है. क्लियर? सो थोड़ा स्टडी करके रखना. जैसे हमने वो चलो सर्कुलर फ्लो पढ़ा था, उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है. अच्छा ये वाला चैप्टर कौन सा है, ट्रेड साइकिल्स, इसमें से भी एक क्वेश्चन कवर किया जाएगा. फर्स्ट जो चैप्टर था वो चलो उसमें से स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस कवर होते. ठीक है, इट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. वी आर कंप्लीटेड विद चैप्टर नंबर 4. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम अदर टॉपिक. टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन.